हमारे पास जब लोग आते हैं और वो दाखिले तरीकत होते हैं तो हम जो बुनियादी चीजें उनको बताते हैं तो उनमें से एक चीज ये लाजमी बताते हैं कि रिस्क पाक नहीं होगा तो बातिन रोशन नहीं होगा। ये बुनियादी बात है। अगर रिस्क पाक नहीं है तो मेरे हुजूर ने इरशाद फरमाया कि एक बंदा सफर करके काबतुल्ला के सहन में पहुंचता है और काबे के पर्दों को थाम ला वह यमुद्दो यदैह और लंबे लंबे हाथ करके कहता है ए अल्लाह, लेकिन उसका खाना हराम है, उसका पीना हराम है, उसका लिबास हराम है, वो गुज़िया बिल हराम, उसको गजा हराम से दी गई है। मेरे हुजूर ने फरमाया उसकी कोई दुआ कबूल नहीं होगी। सफर किया, जंगल पहाड़ काटे, समुन्द्रों को पाट करके आगे गया, हवाओं के कलेजे चीर के आगे बढ़ा, महीनों की मसाफतें तय करके गया और काबतुल्ला के सामने खड़ा है, सेने हरम में मताफ में खड़ा है, लेकिन उसका जिस्म हराम से पला है, उसने जो पहना है उस लिबास का ताना या बाना हराम का है, उसको गजा हराम की दी गई है, उसने पिया हराम का है, उसने खाया हराम का है, तो फिर उसका ये सारा सफर रायगां चला जाएगा, उसको कुछ नसीब नहीं होगा। तो सबसे पहली शर्त इस उन्वान से अक्ल हलाल है। उसके बाद फिर सिद्क मकाल है कि आपकी जुबान झूठ ना बोले। जब कोई शख्स झूठ बोलता है रूहानियात तो दूर की बात है, अल्लाह के फरिश्ते उससे एक मील दूर हट जाते हैं। जब कोई शख्स झूठ बोलता है तो हदीस पाक में आता है उसके मुंह से एक खास किस्म की बदबू निकलती है, उस बदबू को हम नहीं सूंघ पाते लेकिन फरिश्ते सूंघ लेते हैं, क्योंकि फरिश्ते इंतहाई हसास मखलूक है और वो झूठ की वजह से निकलने वाली बदबू को सूंघते हैं। अल्लाह ने हजरत इमाम आजम इमाम अबू हनीफा रदी अल्लाह तआला अन्हु को ये बसीरत अता की थी और ये बातनी नजर बख्शी थी कि जब कोई शख्स वजू करता था तो उसके वजू के पानी से पहचान लेते थे कि ये किस गुनाह का मुजरिम है। जब बंदा वजू करता है तो वजू से हाथों के गुनाह झड़ते हैं, मुंह के गुनाह झड़ते हैं, तो वो वजू के पानी से इस बात को महसूस करते थे। अल्लाह ने उनको वो बसीरत अता की थी लेकिन उन्होंने अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ की, मालिक मुझसे ये चीज छीन ले, ये चीज मुझे नहीं चाहिए। लोगों के बारे में जो है वो ऐसा गुमान फिर पैदा होता है। तो फरिश्तों को अल्लाह ने वो हसास जो है वो पाकीजा वजूद दिया, उनकी हिस ऐसी है कि वो बदबू जो इंसान बोलता है और लफ्जों से जो असरात निकलते हैं वो महसूस करते हैं। तो जब कोई शख्स झूठ बोलता है तो उसके जिस्म से उसकी जुबान से झूठ के साथ बदबू निकलती है, अल्लाह के फरिश्ते एक मील दूर तक पीछे हट जाते हैं। तो मुझे बताइए, जो शख्स झूठ बोलता हो क्या उसे कोई रूहानी मर्तबा मिल सकता है? ये सोचा भी नहीं जा सकता, ये इम्कानात से ही नहीं है। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम से पूछा गया कि हुजूर कोई मुसलमान कोई मोमिन क्या बुजदिल हो सकता है? फरमाया नहीं, वो बहादुर होता है, लेकिन हो सकता है कभी उससे बुजदिली भी सरसद हो जाए। इंसानी कमजोरी है, कभी इंसान बहुत ताकत में होता है, कभी इंसान कमजोर भी पड़ जाता है। फरमाया हो सकता है कभी उससे हो भी जाए। फिर पूछा कि बुखल कर सकता है? फरमाया नहीं, मोमिन सखी होता है, लेकिन हो सकता है कभी उससे बुखल भी हो जाए, कभी कभी दौलत उसे अच्छी भी लगने लग जाती है। जिस तरह फरमाया गया कि औलाद मुबखिलतुन मुजबिनतुन, ये जो औलाद होती है ये बंदे को बखील भी बना देती है और बुजदिल भी बना देती है। जब औलाद नहीं होती तो बंदा सखी भी होता है और बंदा जो है वो मुश्किल हालात में भी कूद जाता है, लेकिन जब औलाद होती है तो फिर मुश्किल हालात में कूदने से पहले सोचता है मेरे बच्चे हैं यतीम हो जाएंगे, उसको ये ख्याल आता है, पहले ऐसे माल लुटाता है, लेकिन औलाद हो जाए तो फिर वो औलाद का सोचता है कि इनके लिए कुछ मैं जमा कर लूं। तो औलाद फरमाया मेरे हुजूर ने कि मुबखिला व मुजबिना, ये बखील भी कर देती है और ये कमजोर और बुजदिल भी बना देती है। तो मोमिन होता बहादुर है लेकिन हो सकता है कभी उससे बुजदिली भी हो जाए, मोमिन सखी होता है लेकिन कभी हो सकता है उससे बुखल भी हो जाए। लेकिन तीसरा सवाल हुजूर से पूछा गया कि मोमिन झूठा हो सकता है? तो इस पर दो टोक कहा, नहीं झूठा नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता कि मोमिन हो और झूठा हो, वो सच बोलने वाला होगा। तो अक्ल हलाल और सिद्क मकाल, ये दो खूबियां जो हैं ये अहलुल्ला का तुर्रा इम्तियाज है और ये मुझे और आपको इख्तियार करनी चाहिए।